अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ न्यू स्टाइल के चाय टुकड़े, इसको आप ईद पे बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ना, इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसके अंदर खोया है, ना इसके अंदर क्रीम है, और आपका सिर्फ लो कॉस्ट मीठा तैयार हो जाएगा। ईद पे आप ज़रूर बनाइएगा इसको, जल्दी से झटपट मीठा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले घी के अंदर ब्रेड स्लाइस को गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे ताकि स्लाइस क्रिस्पी हो जाए। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का गोल्डन कलर पे ही इनको सब स्लाइसेस को इस तरह फ्राई करके अलग रख लेंगे। इसके बाद हम मिल्क लेंगे, मिल्क को बॉईल करने रख देंगे। इसके बाद हम 3 स्लाइस ब्रेड के लेंगे, इनके साइड के कॉर्नर्स निकाल देंगे और इनको बारीक चॉप करेंगे। फिर इससे हम बनाएंगे रबड़ी ब्रेड, रबड़ी, ताकि जो इसका मज़ा आएगा, क्रीमी पन आएगा, वो इससे आएगा ब्रेड से। बहुत ज़बरदस्त है, देख सकते हैं, इस तरह चॉप करके अलग रख देना है। फिर मिल्क को बॉईल करने के बाद इसके अंदर आप शुगर डालें अपने टेस्ट के हिसाब से, जितनी आपको पसंद है उतनी आप शुगर डाल के इसको पकाएं। फिर जो हमने ब्रेड स्लाइस फ्राई करके रखे हुए अलग, उसके अंदर इसको डाल देंगे मिल्क के अंदर। फिर डालते ही इनको बस निकालना है, ज़्यादा इसके अंदर छोड़ेंगे तो ये सॉफ्ट होके इसी में ही टूट जाएंगे। बस डालते ही इसको निकाल लें और इस तरह सब स्लाइस को इसी तरह ही रख के इस तरह लेयर लगा लेंगे डिश के अंदर, और जो बाकी 4 स्लाइसेस बचे हैं उसको इस तरह ही एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। 4 स्लाइस हमने डिश के अंदर सेट कर दिए, 4 स्लाइस हम अलग रख लेंगे इस तरह प्लेट के अंदर। अब जो हमारा मिल्क बचा है इसको हम एक छान लेंगे इसको ना, ताकि इसके अंदर जो ब्रेड स्लाइस हमने जो इसके अंदर डाले थे उसके पीस हैं, ताकि वो मिल्क साफ़ हो जाए, ताकि जब हम लेयर लगाएंगे तो ये सब जो है इसके अंदर नहीं आएगा। फिर दोबारा से डाल देंगे मिल्क को पतीली के अंदर, और फिर जो हमने ब्रेड स्लाइस 3 जो चॉप करके रखी हुई थी वो भी डाल के इसको मिक्स करेंगे। इससे आपकी बनेगी ब्रेड रबड़ी, ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, ना इसमें क्रीम है, बहुत ज़बरदस्त मीठा है ये ब्रेड का। चाय टुकड़े नए तरीके से चाय टुकड़े बहुत ज़बरदस्त, इसको इस तरह बीटर से मिक्स करें, बॉयल आ जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए जब तक इसको पकाना है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा ईद पे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखें इस तरह अभी थोड़ा सा ये पतला है, इसको ज़रा सा और गाढ़ा करेंगे। अब देखें इस तरह गाढ़ा हो गया है, जो हमने 4 स्लाइस डिश पे रखे थे इसके ऊपर डाल देंगे, इसको पूरे 4 स्लाइस को कवर कर देंगे। इससे गरम गरम ही डालेंगे इसके ऊपर। तना डाल दें इसके ऊपर, ज़रूर ट्राई करिएगा ना, इस बहुत क्रीमी डिज़र्ट तैयार हो जाएगा, ना इसके अंदर क्रीम है, ना इसके अंदर कंडेंस मिल्क है, बहुत ज़बरदस्त मीठा बन जाएगा। और उसको इस तरह सही कर लें सब तरफ, ताकि जो हमने ब्रेड रबड़ी डाली है वो इसके ऊपर आ जाए। अब इसके बाद जो हमने 4 स्लाइस अलग प्लेट के ऊपर रखे थे वो डाल देंगे, देख सकते हैं, ज़्यादा मिल्क के अंदर डीप नहीं करें वरना ये टूट जाएंगे। देखें इस तरह ही सॉफ्ट हैं और ज़्यादा मिल्क के अंदर नहीं सोक करें। इसके ऊपर बाकी की बची हुआ डाल देंगे ब्रेड रबड़ी, इस तरह पूरा ब्रेड स्लाइस को कवर कर देंगे। इसके ऊपर पिस्ते, बादाम, जो आपको नट्स पसंद हो, ड्राई फ्रूट पसंद हो, आप वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, जो आपको पसंद हो। इस तरह आप देख सकते हैं, इसको आप ठंडा करके गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, या फ्रिज में ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, इतना ज़बरदस्त सा ब्रेड डिज़र्ट तैयार है, या शाही टुकड़े वेडिए। देखें इस तरह आप सर्व कर सकते हैं ईद पे, डिनर्स पे बनाएं इसको। देखें
और ज़बरदस्त सा डिज़र्ट तैयार है। अगर आपको मेरी रमज़ान की और रेसिपीज़ देखनी हो तो आप साइट पे क्लिक कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।